So hi, hello everyone, Manoj Chauhan this side and I'm a certified nutrition trainer और आज मैं आपके बीच में एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो आपके और आपके परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए, उनके ब्रेन के लिए, उनके हार्ट के लिए, उनकी आईज के लिए, अगर मैं आपसे कहूँ तो मल्टीपल ऑर्गन्स के लिए, उन सभी को हेल्दी रखने के लिए बहुत अच्छा है। और ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपको ऐसे पांच मेन इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता चलने वाला है जिनका स्पेसिफिक हमारे सभी मल्टीपल ऑर्गन्स को हेल्दी रखने में बहुत बड़ा रोल है। आज आप देख रहे होंगे कि माहौल किस तरीके से चल रहा है, एक ऐसी बीमारी जो कभी किसी ने सोची भी नहीं थी और वो कब अचानक अचानक किसी भी घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। हमारी बॉडी में आजकल डेट में एक अर्ली एज चेंजेस हमारे परिवार में आने स्टार्ट हो गए हैं। अर्ली एज चेंजेस का मतलब होता है आदमी 40 साल का है लेकिन वो लग 50 का रहा है। एक ऐसा इंसान जिसकी उम्र 25 साल है लेकिन उसकी एक किडनी खराब हो चुकी है। तो यहां पर आज मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने आया हूं, पांच ऐसे मेन इंग्रेडिएंट बताने जा रहा हूं जो अगर आपके जीवन में और आपके परिवार में अगर वो चीजें आ जाए तो आप अपने परिवार को और अपने से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को एक बहुत अच्छी हेल्थ दे सकते हो। यस माय डियर फ्रेंड, तो आइए चलते हैं, मैं आपको उस इन्फॉर्मेशन की ओर आगे लेके चलता हूं। आज मैं आपसे बात करने आया हूं, सबसे पहला जो एक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड एक मिरेकल मॉलिक्यूल है, एक जादुई परिवर्तित करने वाला एक ऐसा केमिकल है जो हमारी बॉडी में बिफोर 40 काफी अच्छी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता रहता है। बेसिकली उसका काम क्या होता है, वो हमारी आर्टरीज और वेन्स को एक नॉर्मल साइज में रखता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता रहे। आपने कभी एक ऐसा रोड देखा है जहां पे गाड़ियां जो हैं वो 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हो और वहां पे अचानक जाम लग जाता है तो वहां पे स्पीड काफी कम हो जाती है, वही 100 किलोमीटर 50 और 40 पे आ जाती है। आप सोचकर देखिए कि हमारे शरीर में सर से लेके पांव तक पूरे दिन ब्लड सर्कुलेशन, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है कितना बड़ा सफर तय करता रहता है। और ब्लड सर्कुलेशन जब भी हमारी बॉडी में होता है तो वो अपने साथ दो चीजों को लेकर चलता है, एक होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है न्यूट्रिशन। सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो सभी सेल्स तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होगी और हम काफी ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन कम होने लगता है और नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन कम होने की वजह से धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन स्लो होने की वजह से रीजन, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन कम होता है तो धीरे धीरे हमारी आर्टरीज और वेन्स का जो साइज है वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है और वहीं से कहानी स्टार्ट होती है सेल्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन ना पहुंचने की। और जिस जिस सेल तक प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं पहुंचता वहां पर धीरे 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 एक डाउनफॉल आना स्टार्ट होता है, वहां पे एनर्जी लेवल काफी लो होना स्टार्ट हो जाता है और डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। जी हाँ, मैं आज आपको बताना चाहता हूं उसका एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड जब हम यंग एज में होते हैं तो नेचुरली बहुत प्रोड्यूस होता है, लेकिन जैसे जैसे हम एज पड़ती है तो हमें एक असेंशियल अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं L-arginine। L-arginine की अगर मैं बात करूं तो ये वो असेंशियल अमीनो एसिड है, जैसे कि अगर खून बढ़ाना है तो आयरन की क्वांटिटी चाहिए, आयरन चाहिए। अगर हमें अपनी हड्डियों को अच्छा रखना है तो हमें कैल्शियम की मात्रा काफी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप हमेशा एनर्जेटिक और हमेशा यंग महसूस करना चाहते हैं तो हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को हेल्दी रखने के लिए जो सबसे जरूरी मॉलिक्यूल होता है जिसको मिराकल मॉलिक्यूल कहा जाता है वो होता है L-arginine। L-arginine हेल्प करता है नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाने में। ये समझ लीजिए कि अगर आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो एक बड़ी अच्छी लाइन होती है जिसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई टीम हार रही है और हारती टीम में अगर सिक्सर लगने चालू हो जाए, छक्के लगने चालू हो जाए तो कैसा रहेगा। एग्जैक्टली माय डियर फ्रेंड, नाइट्रिक ऑक्साइड वो फर्स्ट मिरेकल मॉलिक्यूल है जो हमारे से जुड़े हुए हम सभी परिवार के लोगों को हेल्दी रखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो मॉलिक्यूल है, सेकेंड मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं, वो इंग्रेडिएंट, वो मॉलिक्यूल है विटामिन B12। जी हाँ, आज ये सभी को पता है B12 को बेसिकली कोबाल्मिन कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं तो ये CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये फूड है, ये उसका खाना है। हमारे ब्रेन कहते हैं कि शरीर बूढ़ा नहीं होता, शरीर बूढ़ा नहीं होता, दिमाग बूढ़ा होता है। शरीर नहीं थकता, दिमाग थकता है। और दिमाग का खाना क्या होता है, दैट इज कॉल्ड विटामिन B12। विटामिन B12 अगर हमारी बॉडी में बनना बंद हो जाए तो B1, B2, B3, B4, B5, B6 इनकी परफॉर्मेंस वीक हो जाती है। साथ के साथ आज की डेट में जो आप एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस या इन चीजों को देख रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो विटामिन B12 का है। विटामिन B12 के बाद अगर हम चले, ये हमारे ब्रेन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो इंग्रेडिएंट है विटामिन D3।
विटामिन डी की एडवांस फॉर्म। शरीर में आप कैल्शियम भी खा रहे हो, आप फास्फोरस भी ले रहे हो, सभी विटामिन्स मिनरल्स ले रहे हो, लेकिन वो बोन्स तक नहीं पहुंच रहा। तो इसका मतलब सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर जब तक हमारी बॉडी में विटामिन डी थ्री नहीं होगा तब तक कैल्शियम की अब्सॉर्प्शन, फास्फोरस की अब्सॉर्प्शन वीक रहेगी। इसलिए अगर इनकी अब्सॉर्प्शन अच्छी रखनी है, अपनी बोन्स को अच्छा रखना है, अपने इम्यून सेल्स जो है उनको हेल्दी रखना है, तो वहां पे विटामिन डी थ्री का बहुत बड़ा रोल होता है, इंक्लूडिंग ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। मैं आपको बताना चाहता हूं विटामिन डी थ्री अपने आप में हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए काफी ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किया गया। फोर्थ वन में जो आपसे बात करने जा रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, दैट इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट की अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोल सकते हैं हमारे शरीर में पूरे दिन में बड़े सारे फ्री रेडिकल अटैक, जिसको हम हिंदी में विजातीय तत्व बोलते हैं, बड़ा सारा वेस्टेज मटेरियल होता है जो प्रोड्यूस होता रहता है। जैसे गाड़ी में जब कार्बन बर्न होता है ना, तो वो अपना वेस्टेज मटेरियल छोड़ता है। सेम लाइक दैट अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारी बॉडी में भी बड़ी सारी चीजें यूज होती रहती हैं और वेस्टेज छोड़ती रहती हैं। उसी में एक चीज होती है फ्री रेडिकल। आपने अगर कभी देखा हो किसी को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो, या कोई कैंसर के पेशेंट्स हो, या किसी के किडनी खराब है, तो उनकी रिपोर्ट्स में लिखा होता है हाई फ्री रेडिकल अटैक। उस फ्री रेडिकल अटैक को कंट्रोल करने के लिए जो नेचर ने, गॉड ने, परमात्मा ने बनाया है, उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बमेंट कैपेसिटी। एंटीऑक्सीडेंट हमारे डार्क फ्रूट्स में बहुत होता है, वो लेने से हमें काफी अच्छी हेल्प मिलती है। फिफ्थ वन अगर मैं बात करूं तो दैट इज कॉल्ड विटामिन B6। B6 की अगर मैं बात करूं तो ये कनेक्ट करता है हमारे हीमोग्लोबिन को, ये कनेक्ट करता है हमारे अल्जाइमर से रिलेटेड चैलेंजेस को, ये कनेक्ट करता है हमारे शरीर में बड़े सारे जो हमारे सेक्सुअल और इंटरनल जो हमारे चैलेंजेस हैं, वीकनेस हैं, उनको ये कवर करता है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं एक ऐसा प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट के अंदर आपको इन पांचों चीजों का कॉम्बिनेशन मिलता है। और सिर्फ यही नहीं, एक ऐसा पाउच जो सिर्फ 200 रुपीस के अंदर आपको ये पांचों चीजें प्रोवाइड कराता है। अगर आप नाइट्रिक ऑक्साइड ढूंढ रहे हैं और ग्रीन मार्क के साथ ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये सिंगल एक ऐसा इंटरनेशनल ब्रांड है RG+, जिसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड काफी रिच फॉर्म के अंदर है, L-arginine काफी रिच फॉर्म के अंदर है, और साथ में ग्रीन मार्क है। अगर मैं बात करूं बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री, वो पूरी की पूरी जो टिकी हुई है वो एक्चुअल में टिकी हुई है नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर, बट सिंथेटिक नाइट्रिक ऑक्साइड मार्केट में बहुत मिलते हैं। ये एक सिंगल ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें काफी अच्छी फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में नाइट्रिक ऑक्साइड उपलब्ध है। ये एंड्यूरेंस को बढ़ाता है, स्टेमिना को बढ़ाता है, आपको हेल्प करता है। साथ में अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया विटामिन B12, तो हमारे पास एक और प्रोडक्ट है जिसमें विटामिन B12 काफी रिच फॉर्म में है, और वो प्रोडक्ट है RG+। अगेन इसी में आपको विटामिन B12 मिलता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने का काम करता है, ब्रेन से जुड़े हुए हर वीकनेस के अंदर, हर इलनेस के अंदर आप इसको एज अ डाइटरी सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। मैंने आपसे बात करी थी तीसरे एक ऐसे विटामिन D3 के बारे में, मैं आपको प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूं जिसमें विटामिन D3 है, और वो तीसरा प्रोडक्ट जो है वो भी यही है, इसी के अंदर विटामिन D3 काफी रिच फॉर्म में, मतलब विटामिन D3 के सारे बेनिफिट्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। इसके बाद मैंने आपसे बात करी थी एंटीऑक्सीडेंट के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल ऐसा प्रोडक्ट जिसमें ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, पॉमीग्रेनेट, ये सारे डार्क फ्रूट्स का एक कॉम्बिनेशन इसके अंदर है, जिसमें आपको सभी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मिलती हैं। और साथ में अंत में जो मैंने आपसे B6 के बारे में बात की थी माय डियर फ्रेंड, उसके लिए भी मैं आपको एक प्रोडक्ट बताना चाहूंगा, और वो प्रोडक्ट भी है RG+। इनडायरेक्टली फॉर्म में मैं आपको बताना चाहता हूं, मार्केट में इस समय सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन एक सिंगल ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 160 कंट्रीज की हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड है, 42 ईयर से लोग इसको यूज कर रहे हैं और इसके रिजल्ट्स ले रहे हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड के आप गूगल पे डालिए बेनिफिट्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, वो सारे बेनिफिट्स नेचुरल फॉर्म में इसके अंदर है। आप डालिए बेनिफिट्स ऑफ विटामिन B12, वो सारे बेनिफिट इसके अंदर है। आप वहां पे लिख सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ विटामिन D3, वो सारे बेनिफिट्स इसके अंदर है। विटामिन B6 और सभी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के लिए प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। ये आपके एंड्यूरेंस, आपके स्टेमिना, आपके ब्रेन, आपके आईज, आपके लीवर, आपके लंग्स, आपका होमोग्लोब, आपके कंप्लीट बॉडी के लिए और आपके परिवार के लिए बेस्ट प्रोडक्ट इस समय आपके बीच में है। सो माय डियर फ्रेंड, इफ यू वांट टू यूज दिस प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आने वाली डेट में सबसे ज्यादा जरूरी है, और मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभी रिसर्च और साइंस ने भी प्रूफ किया है कि अगर आप नाइट्रिक ऑक्साइड से जुड़े हुए सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं तो आप
कोविड जैसे वायरस से भी फाइट करने योग्य है। सो दिस प्रोडक्ट इज फॉर यू। आप अगर इसको यूज करना चाहते हैं, इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके बीच में आने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं मनोज चौहान आपसे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द मिलने वाला हूँ। थैंक यू।